सर्वप्रथम आह्वान करें परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 50वें पृष्ठ की 28वीं पंक्ति पर 25वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के दुरुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं, कहते हैं महायोगी, इन हर अनकॉन्शियस ऑर्बिट थ्रू द वॉइड आउट ऑफ हर माइंडलेस डेप्थ्स शी स्ट्राइव्स टू राइज ए पेरिलियस लाइफ हर गेन ए स्ट्रगलिंग जॉय ए थॉट that can conceive but hardly known arises slowly in her and creates the idea, the speech that levels more than it likes, a trembling gladness that is less than bliss invades from all this beauty that must die. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सृजित सृष्टि के आकारित अभिव्यक्त स्वरूपों में अवतरित हुई दिव्य चेतना भागवत संकल्प एको हम वो श्याम सिद्धि प्रयास में अवतरण पूर्व अव्यक्त शाश्वत रूप में एकम के एकत्व से बहु बनकर सर्वप्रथम अचित आवरण में प्रवेश करना स्वीकार करके अचित में प्रवेश कर जाने पर अर्थात इस महाशून्य में दिव्य चेतनांश के प्रवेश पा जाने पर नाना रूपों में आकारित होकर पांच भौतिक तत्वों से निर्मित जड़ जगत सृजित उपरांत यह धरती अपनी धुरी पर अचेतन यांत्रिकता से रिक्त व्योम में ग्रहणशीलता प्रयत्न के साथ सतत विकासोन्मुख प्रक्रिया से गुजरते रहने के लिए मानो व्यर्थ ही चक्कर काटती प्रतीक्षारत बनी हुई थी, किंतु न्यूनतम श्रम भी उसका व्यर्थ न होकर जड़ के ज्ञान विहीन स्तर से उपयुक्त समय पर शने शने क्रमशः अपने मन विहीन निस्तल गर्तों से उन्नत वनस्पति प्राणी में अत्यंत संघर्ष पूर्ण प्रयत्न से विकसित होकर ऊपर उठने का प्रयत्न करती जाती थी। युगो युगो के घोर श्रमरत प्रयत्नों उपरांत इसके फल स्वरूप मन के प्रादुर्भूत हो जाने पर एक संकटमय जीवन और एक संघर्ष में जुटे रहने का सुख उस चेतना की अभिव्यक्ति को मिला,
मन के विकसित हो जाने पर विचार शक्ति जो भावी की कल्पना या अनुमान तो कर सकता है, किंतु फिर भी वह स्पष्टतः भावी के ज्ञान को मुश्किल से बहुत अल्प में ही जान या ग्रहण कर पाता है। विकास क्रम में मन के प्रादुर्भूत हो जाने से ऊर्ध्व विकास में एक गति आने लगती जो उसके विचार, कल्पना एवं सूझबूझ भरे प्रयत्नों से उसके भीतर धीरे धीरे ऊपर उठता और अधिकाधिक उच्च उच्चतर भावों का सुसर्जन करता। फिर भी अहम ग्रसित अचित प्रभाव के रहते उस भाषा बोली का उच्चारण करता जो अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया पर तो कम प्रकाश डाल पाती या प्रकाशित कर पाती, किंतु उससे कई गुना अधिक उसके अहम भावापन व्यक्ति नाम की एक मोर छाप ही बनकर जगत में उसका गुणगान होता प्रतीत होता है। ऐसी खोजी गई पद्धति पर उसके नाम की मोहर लगती है। ऐसे उच्च भाव एवं उच्चारित भाषण को एक ब्रांड रूप ही मिल पाता है। सर्वकाली सर्वदेशी सत्य एवं परम आनंदानुभूति नहीं मिल पाती। विचारों से उत्पन्न भावों की पराकाष्ठा में अष्ट भावों की अभिव्यक्ति पर स्वेद कम रोमांचित रुदन हास्य सिरन इत्यादि की एक उच्च स्थिति की प्रसन्नता तो मिलती है। दृष्टांत चैतन्य महाप्रभु, किंतु जिसे परमानंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमानंद अवस्था तो शाश्वत से उद्भूत शाश्वत व्यक्त स्वरूप में जीवन यहाँ धरा पर जिया जा सके ऐसा जीवन ही हो सकता है। किंतु इतने उच्चतम प्रादुर्भूत अष्ट भावाभिव्यक्ति से फूट पड़ती भागवत सौंदर्यता भी अधूरी ही रहती है, क्योंकि काल शासित बने मन प्राण शरीर को तो इस नश्वरता में स्थान ही नहीं मिल पाता। मन प्राण शरीर को तो इस शाश्वतता में स्थान ही नहीं मिल पाता और नश्वरता से ग्रसित सत्ता स्तरों को जो क्षण भंगुर ही हैं, इन समस्त सत्ता स्तरों को मरना ही पड़ता है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना, इस पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तर पर संपन्न होने जा रही है।